हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अशोक नेहरा और आज मैं हूँ फतेहाबाद हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि गाड़ियों की जो पासिंग ख़त्म हो जाती है, उस पासिंग को जो है दोबारा अप्लाई करवाने के लिए ये गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है। तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। और क्या क्या प्रोसीजर होता है पासिंग का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी होगी यहाँ पे और किन किन गाड़ियों की पासिंग होती है। बताया जा रहा है कि ये जो लाइन लगी हुई यहाँ पे व्हीकल्स की लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लगी है। मैंने एक जो है गाड़ी वाले से बात की, मैंने उनसे पूछा कि पासिंग हो रही है उसका क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया कि अभी जो पासिंग जिन गाड़ियों की ख़त्म हो चुकी है, उन गाड़ियों की पासिंग की जा रही है RTO के द्वारा। और मैंने पूछा कि कब होती है पासिंग, तो उन्होंने कहा कि हर वीक होती है। मीन्स जैसे आज गुरुवार है, तो उन्होंने बताया कि पिछले गुरुवार को हुई थी, आज फिर गुरुवार है, आज भी पासिंग हो रही है। बोले कि शहर में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी दूर तक ये लाइन लगी हुई है और मैं चलता जा रहा हूँ, देखता हूँ आखिर लाइन कहाँ तक है और आगे क्या प्रोसीजर। साथ में कोशिश करेंगे कि पूछे इनसे पासिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, कितनी देर से वेट कर रहे हैं ये और क्या क्या इन्हें चाहिए। जानते हैं, व्यू जानते हैं लोगों का। हाँ, काट दे। स्कूल वैन भी लगी है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हर गाड़ी की पासिंग हो रही है यहाँ पर, जैसे कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ जो है पर्सनल व्हीकल्स भी लगी हुई है। मेनली जो है ट्रक ज़्यादा लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये आगे यहाँ पर जो है पासिंग हो रही है, जैसे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पर, देखेंगे आप। ये यहाँ पर पासिंग की प्रोसीजर की जा रही है दोस्तों। तो जो गाड़ी यहाँ पे पास की जाती है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। देखते हैं कि क्या क्या पास करवाया जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले गाड़ी चेक की जाती है, उनकी नंबर प्लेट वगैरह पूरी है या फिर जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको नंबर वाइज लगाया जाता है। तो ये लाइन काफ़ी लंबी है, जैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती है, नंबर लग जाता है, उनके बाद इन गाड़ियों की पासिंग की जाती है। पासिंग के लिए यहाँ पर जो है पार्किंग लगी हुई है, नंबर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। Thank you.